हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ आर्क मोबाइल। तो आते ही आज हमको एक गिफ्ट मिला है, एक एसेंडेंट हेड का ब्लूप्रिंट जिसका आर्मर है 94 और ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो फिलहाल हम जो हेड पहने हुए हम एक बार देख लेते हैं उसका आर्मर कितना है। इसका आर्मर है 23। तो हमको जो ब्लूप्रिंट मिला है उसका आर्मर और ड्यूरेबिलिटी दोनों कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो हम चलिए वो ब्लूप्रिंट पहले स्मिथि में डाल लेते हैं और उस ब्लूप्रिंट से हम एक हेड बना लेते हैं ताकि हमारी जो सुरक्षा है वो थोड़ी बढ़ जाए। ये गेम बीच बीच में आपको अच्छे खासे ब्लूप्रिंट्स भी गिफ्ट कर देता है कभी कभी, नहीं तो बाकी जो गिफ्ट है वो तो काफ़ी बेकार ही होते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने डायनासोर गेटवे और डायनासोर गेट नहीं बनाया था, वो एक जगह खाली रह गया था। तो चलिए फटाफट उसका इनग्राम हम लर्न कर लेते हैं और कुछ रिसोर्सेज गैदर कर लेते हैं ताकि हम वो बना सकें अभी। और उसे बनाने के लिए शायद हमको स्टोन, थैच, वुड और फाइबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कलेक्ट कर लेते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था कि मेरे स्मृति में ही काफ़ी सारी रिसोर्सेज पड़ी हुई है जैसे कि वुड और फाइबर, तो हमें उसी की ज़रूरत है, वो हम वहीं से ले सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और ये हम क्राफ्ट कर लेते हैं गेट। चलिए उसके लिए थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे जो है आपका पहाड़ी में क्या होता है कि आपका गेट या कोई भी स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बैठ पाता है, तो हमने ये थोड़ी मॉडिफिकेशन करके बना ली है। अभी शायद ये ठीक से बैठ जाएगा, ये लीजिए। फिर भी थोड़ी गैपिंग रह गई है बीच में, लेकिन कोई भी जानवर इसमें घुस नहीं पाएगा, तो अभी के लिए ऐसे ही रख देते हैं इसको। और ये गेट लगा देते हैं, गेटवे तो हमने लगा ही दिया। चलिए अभी हमारे जानवर जो है वो काफ़ी सुरक्षित बन गए और कोई भी बाहर का वाइल्ड डायनासोर अभी इस कैंप में आसानी से नहीं घुस पाएगा। और अभी हम अपने थंडर 2.0 को लेके चलते हैं नीचे और एक बार देख के आते हैं कि क्रॉप्स का क्या हाल है, क्योंकि हर एपिसोड में हम एक बार नीचे जाके अपने क्रॉप प्लॉट्स को देखते हैं और वहाँ से जितने भी क्रॉप्स हो वो लेके आते हैं और साथ में उसमें फर्टिलाइज़र भी थोड़े डाल देते हैं। फर्टिलाइज़र मतलब पूप डाल रहे हैं अभी, फुल फ्लेज्ड फर्टिलाइज़र तो अभी हम बना नहीं पा रहे, वो उसको बनाना अभी बाकी है। और एक बार हम फुल फ्लेज्ड फर्टिलाइज़र बना ले तब हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब हमने सब कलेक्ट कर लिया है, अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं बेस की तरफ। और दोस्तों आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो है एक फ्लाइंग डायनासोर को टेम करना, जैसे कि टिरेनोडॉन जिसका एक सेडल का इनग्राम हमने अनलॉक कर लिया था पहले ही। यहाँ पे देखिए ये सेडल का इनग्राम जो है वो अनलॉक कर लिया था, तो आज हम ट्राई करेंगे कि एक टिरेनोडॉन को हम टेम कर ले ताकि हमारी काफ़ी सारी मदद हो जाए, क्योंकि ग्राउंड डायनासोर से फ्लाइंग डायनासोर ज़्यादा अच्छे होते हैं ट्रेवलिंग करने के लिए भी। तो चलिए उसके लिए हम थोड़ी नार्कोटिक्स ले लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, और नार्कोटिक्स एरो भी बनाने पड़ेंगे टिरेनोडॉन को बेहोश करने के लिए। और साथ में हमको जो जर्नी में जो चीज़ें चाहिए होंगी वो हम ले लेते हैं, जैसे कि बोला और ये कुछ क्रॉप्स ले लेते हैं जो हमारी भूख मिटा दे। तो चलिए फिर हम चलते हैं एक टिरेनोडॉन को ढूंढते हैं और उसको टेम करते हैं। लेकिन इस जर्नी में मैं किसी अपने डायनासोर को नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे डर है कि कहीं फिर से मैं अपने किसी डायनासोर को नहीं खो दूँ, इसलिए मैं खुद ही चला जाऊँगा यहाँ पर। और अगर मैं मर भी जाता हूँ इस जर्नी में तो कोई बात नहीं है क्योंकि मैं फिर से रिस्पॉन कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम डायनो खो देते हैं तो उसको टेम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे हमने अपना पहला टिरेनोडॉन जो है वो देख लिया है, देख लेते हैं इसका लेवल कितना है। लेवल 40, ये काफ़ी कम लेवल का है, तो हमें थोड़ी ज़्यादा लेवल का तलाश है। यहाँ पर एक और दिखा है, ये लेवल 30, उससे भी नीचे नहीं, इतना कम लेवल वाला टिरेनोडॉन हम टेम नहीं करेंगे, हमको थोड़ी हाई लेवल वाला चाहिए। चलिए फिर से ढूंढ लेते हैं, हमको यहाँ पे और एक दिखा है, इसका लेवल कितना है, ये भी 30। सब कम लेवल वाले टिरेनोडॉन ही दिख रहे हैं आज। वो वाला कितने का है, वो वाला लेवल 160 का है, इससे मेरा काम चल जाएगा, लेकिन ये तो फिलहाल हवा में है तो इसको हम हवा में ऐसे पकड़ नहीं पाएंगे। और ये पास जो आके बैठा है उसका लेवल है 30, तो जितना कम लेवल वाला टिरेनोडॉन है वो हमको आसानी से मिल रहा है, लेकिन जो हाई लेवल वाला है वो हमसे भाग रहा है। एक और आया है, ये भी लेवल 30 का। आज क्या हो रहा है मालूम नहीं है, जितने भी टिरेनोडॉन मिल रहे हैं सब लो लेवल वाले। ये लेवल 40,
सब लेवल 30-40 के बीच में ही घूम रहे हैं। चलिए एक और दिखा, ये लेवल 50 का, 10 लेवल बढ़ा है, फिर भी मेरा काम नहीं चलेगा। ये भी काफ़ी लो लेवल वाला है। चलिए हम अपना जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और देख लेते हैं और कोई दूसरा मिलता है क्या। एक यहाँ पे दिखा है, ये है लेवल 160 का, हाँ इससे मेरा काम चल जाएगा। एक मिनट, और दूसरा वाला ट्रिडोन कितने का है, लेवल 270। बहुत बढ़िया, हमको अपना ट्रिडोन मिल गया। अभी फटाफट चलते हैं और उसको बेहोश करते हैं, कहीं वो उड़ ना जाए पहले से ही। चलिए वो बैठा हुआ है, अभी हम फिलहाल बोला ले लेते हैं और इसको फिर ट्रैंकुलाइज कर देंगे ट्रैंकुलाइजर एरो से। चलो ये तो फटाफट हो गया, अब इसको बेहोश कर लेते हैं। शायद 2 से 3 एरोज लगेंगे, ये एक तो 2 में ही हो गया। चलो बहुत बढ़िया है। अभी हमने इसको आसानी से बेहोश तो कर लिया, लेकिन इसको टेम करने में बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल वाला ट्रिडोन है और इसको टेम करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाली है। उससे पहले हम थोड़ी हाइड और थेट्स यहाँ पे मुझे चाहिए, ताकि मैं एक बेड बना सकूँ ट्रिडोन के पास में, ताकि हम उसको खो ना दे उसका लोकेशन। बेड रहने से हमको लोकेशन पता चलता है, हमको मैप्स में लोकेशन दिखता है। तो पहले हम यहाँ पे एक बेड बना लेते हैं और अभी हम थोड़ी मीट ढूंढने जाते हैं। तो इसको हम अपना पहला मीट जो है वो दे दिया है हमने, और देखते हैं कितना टाइम लगता है। थोड़ी नार्कोटिक्स भी इसको खिला देते हैं, और इसी बीच हमने एक डोजायर भी मिला है हमको, तो उससे हमारा एक लेवल भी मिल गया हमको। तो हमको मीट ढूंढते ढूंढते एक डोजायर मिला है, तो चलिए और फिर से थोड़ी मीट ढूंढ लेते हैं। अगर प्राइम मीट कुछ मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। तो अभी हम इसको और मीट दे देते हैं, और शायद हमको बेस भी जाना पड़े, क्योंकि हमारे पास नार्कोटिक्स कम है और इसको टेम करने में काफ़ी सारी नार्कोटिक्स भी लगने वाले हैं। चलिए हम एक बार बेस होके आते हैं, क्योंकि हमको एक डायनासोर भी चाहिए, तो इसलिए हमने अपने थंडर 2.0 को ले लिया है, ताकि हम जो है प्राइम मीट्स आसानी से गैदर कर सके, क्योंकि हम खुद से वो नहीं कर पा रहे थे। चलिए पहले इस डिप्लोडोकस को मार लेते हैं, और इसके पीछे एक रैप्टर भी लगा है, तो रैप्टर को पहले मार लेते हैं, और उसके बाद हम डिप्लोडोकस को मार लेंगे और उससे थोड़ी प्राइम मीट मिल जाएगी, जिससे टेमिंग काफ़ी जल्दी हो जाती है। चलिए हम अपने ट्रिडोन को ये प्राइम मीट खिला दिए है, अभी ये थोड़ी ज़्यादा आसानी से टेम होगा, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होगा, तो मैंने काफ़ी शॉर्ट कर दिया है प्रोसेस को। और हम रेगुलर इंटरवल में इसको प्राइम मीट लाके दे रहे हैं और नार्कोटिक्स भी दे रहे हैं, ताकि ये बेहोश रहे। ये देखिए कितने नार्कोटिक्स खा रहा है, और हम बार बार घूम घूम के जितने हो सके प्राइम मीट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने थंडर के थ्रू, क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल वाला रैप्टर है, तो ये बहुत बड़े बड़े डायनासोर को भी मार सकता है। तो हमने काफ़ी प्राइम मीट्स भी इकट्ठा कर ली है, और हमारा ट्रिडोन लगभग 80% टेम हो गया है, और थोड़ा देर बाद ये शायद टेम हो जाएगा पूरा। ये देखिए 97.7% तक आ गया है। मैंने टेमिंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी फास्ट कर दी है। अब ये लास्ट पीस ऑफ मीट खा रहा है। ये देखिए मेरा ट्रिडोन टेम हो गया, और ये लेवल 377 का बना है, जो कि शायद मेरे थंडर 2.0 से भी ज़्यादा है। तो ये अब तक का मेरा सबसे हाई लेवल डायनासोर टेम है। तो चलिए फटाफट इसको सेडल लगा देते हैं, और इसको लेके बेस की तरफ चलेंगे फिर। लेकिन अभी तो रात हो गई है, तो हम इस बेड में ही सो के अभी जो रात का टाइम है वो पास कर देते हैं, 8 आवर्स पास हो जाएगा, तो सुबह हम अपनी ट्रिडोन को लेके बेस की तरफ चलेंगे। अभी सुबह की ठंडी हवा खा के हम अपनी ट्रिडोन के ऊपर उठ के इस मैप की जो हरियाली है उसकी मज़ा ले रहे हैं, और अपनी बेस की तरफ चल रहे हैं। और फ्लाइंग डायनासोर में बैठ के घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, ग्राउंड डायनासोर से काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि आप जो है पूरी मैप का जो मज़ा है ब्यूटी का, वो आप एक फ्लाइंग डायनासोर से ज़्यादा आसानी से उठा सकते हैं। और फ्लाइंग डायनासोर में रहते आपको कोई डर भी नहीं रहता कि कोई दूसरा कुछ आपको अटैक करेगा, क्योंकि नीचे आप ग्राउंड डायनासोर में रहने से दूसरे डायनासोर आपको अटैक कर सकते हैं, लेकिन जब आप
फ्लाइंग डायनासोर के ऊपर है, तो आपको कोई अटैक नहीं कर सकता है, और आप आराम से जो है आपको जो ढूंढना है, कुछ अगर ढूंढना है, कुछ डायनोस ढूंढना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ऊपर से ही मैं अपने स्पाई ग्लास के थ्रू किसी डायनासोर का जो है वो स्टेट्स मालूम कर सकता हूँ। जैसे कि वो टेरिजिनोसोर यहाँ पे घूम रहा है, हम ऊपर से आराम से उसका स्टेट्स जो है लेवल 190 का है, अच्छे लेवल का है। मुझे किसी पॉइंट पे एक टेरिजिनोसोर भी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी एक अच्छा रिसोर्स हार्वेस्टर होता है, और हमको किसी पॉइंट में बेस को बढ़ाना है, बेस को कुछ बनाना है ठीक से, तो हमको एक रिसोर्स कलेक्टर तो चाहिए होगा। तो फिलहाल के लिए हम अभी उसको टेम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमको टेम हेल्पर भी चाहिए होगा। तो हम ये एग्स जो है पहले ले लेते हैं, क्योंकि हमको किबल भी शायद किसी टाइम में बनाना पड़े, तो ये हम एग्स कलेक्ट कर रहे हैं जितना हो सके। अभी फ़िलहाल के लिए हम कुछ परस्यूट्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने एक परस्यूट स्टार्ट किया है, वो है हंट टेरर बर्ड। तो हमको 3 टेरर बर्ड मारने हैं इस परस्यूट में। तो हम सुबह को जाएंगे रेडवुड फॉरेस्ट, क्योंकि टेरर बर्ड रेडवुड फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो हम एक बार मैप चेक कर लेते हैं, देखिए हमको रेडवुड फॉरेस्ट के तरफ जाना पड़ेगा, और वो हम किसी डायनो को लेके नहीं जाएंगे। तो हमने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो ले ली है, अभी हम रेडवुड फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। स्वैम्प से होके हमको जाना पड़ेगा, तो हम थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं हमारी जर्नी को, ताकि आप लोग बोर ना हो। चलिए हम रेडवुड फॉरेस्ट पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पे हमको यही आशा है मुझे कि थोड़े लो लेवल वाले टेरर बर्ड्स मिल जाए, क्योंकि हाई लेवल वाले को तो हम मार नहीं पाएंगे। तो 3 अगर लो लेवल वाले टेरर बर्ड्स मुझे मिलते हैं तो मेरा परस्यूट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक टेरर बर्ड मुझे दिखा है और वो डिप्रो से लड़ रहा है, तो मुझे उसको मारने में आसानी हो जाएगी। चलिए इसको मार लेते हैं, और ये लेवल 10 का है, बढ़िया है, पहला वाला लेवल 10 का है, इसको मारने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पहला वाला टेरर बर्ड हमने मार दिया, अभी एक और है वहाँ पे, अभी उसको मार लेते हैं। ये लेवल 50 का है, लेकिन फिर भी उसको डिप्लो ने काफ़ी घायल कर लिया है, तो इसको भी हमने मार दिया आराम से। अभी तीसरा टेरर बर्ड ढूंढते हैं। चलिए ये मैप में दिखा रहा है इस तरफ, वो टेरर बर्ड हमको दिख गया है, ये गैलिमिमस के साथ लड़ रहा है, तो चलिए इसको मार लेते हैं फटाफट। ये भी लेवल 50 का है, चलिए मार दिया हमने। तो मेरा परस्यूट जो है कंप्लीट हो गया, अभी देखते हैं हमको उसके लिए क्या रिवॉर्ड मिलता है। एसेंडेंट स्वॉर्ड, वो भी डैमेज इसका 600 समथिंग है, तो अभी तो बेटा ये तो बहुत अच्छा चीज़ मिल गया, इससे तो काफ़ी हाई लेवल डायनासोर को भी हम फटाफट मार सकेंगे, क्योंकि इसका डैमेज का जो पावर है, इसको काफ़ी ज़्यादा पावर दिया है, बहुत बढ़िया चीज़ मिल गया हमको। अभी रेडवुड फॉरेस्ट में रहते मैं सोच रहा हूँ कि हंट डायर बियर वाला जो परस्यूट है वो भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ एनग्राम्स अनलॉक करने पड़ेंगे, और उसको बनाने के लिए शायद मुझे फिर से बेस जाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्मिथी में ही बनेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं बेस में, और जाके फटाफट जो रिक्वायर्ड ये रिक्वायरमेंट है इस परस्यूट के लिए वो सब बना लेते हैं पहले। ये हम बना रहे हैं एक लॉन्ग नेक राइफल और ये बियर ट्रैप्स, और साथ में हमको चाहिए होगा गन पाउडर, जिससे हम बुलेट्स बना पाएंगे, तो हम गन पाउडर बना लेते हैं। और उसके साथ हमको एक लेवल भी मिल गया है, क्योंकि हम परस्यूट कंप्लीट करने से ये एक अच्छा बात यह है कि आपका एक्सपी बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागता है, और इसलिए आपको लेवल भी काफ़ी आसानी से मिलते रहते हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ी गन पाउडर्स बना लेते हैं, ताकि उससे हम बुलेट बना पाए अपने लॉन्ग नेट राइफल के लिए। तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और बुलेट बना लेते हैं, देखते हैं कितना बुलेट बनता है। 3 सेट मतलब कि 30 बुलेट, तो मैं 50 बुलेट पहले बना लेता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे। चलिए हम 50 बुलेट बना चुके हैं, अभी हमको फिर से रेडवुड फॉरेस्ट जाना पड़ेगा डायर बियर ढूंढने के लिए। ये ऊपर से गिरने के लिए खुद को ही डैमेज कर लिया, चलिए कोई बात नहीं। अभी हमको फिर से नदी पार करना है, और यहाँ पे काफ़ी सारी जीव है, लेकिन इस बार हमारे पास ये एसेंडेंट स्वॉर्ड है, तो देखिए आप एक ही वार में सब खत्म हो रहा है, टाइटेनो वो भी एक ही वार में ख़त्म, मतलब इतना पावरफुल है ये जो स्वॉर्ड हमको मिला है। अभी चलिए हमको पहला डायर बियर दिखा है, और हम
उसको गोली मार लेते हैं। ये एक हाई लेवल वाला ही होगा क्योंकि इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है, 1800 से ऊपर। चलिए इसको फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। ये टेरर बर्ड को लग गया। ये देखिए डायर बियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग डायर बियर है, टेरर बर्ड को एक ही वार में ख़त्म कर दिया इसने। अभी हम इसको चार गोली तो मार चुके हैं और शायद 3 या 4 गोली मारना ज़रूरी है इसको। ये देखिए 528, अभी भी 528 हेल्थ बाकी है इसका। ये लॉन्ग नेक राइफल जो है वो थोड़ा रिलोड होने में टाइम लगाता है, ये इसका प्रॉब्लम है। और मिनिमम 2 गोली तो चाहिए होगा इसके लिए। ये गया एक और एक गोली। रुक जा भाई, मुझे आसानी से एक और गोली मार लेने दे। बढ़िया है, ख़त्म। ये उछल के वहाँ पर छाके गिरा। चलिए एक बार डायर बियर तो हमने मार लिया, अब ये दूसरा ढूंढते हैं। और दूसरा डायर बियर मैप में दिखा रहा है तो हमने वो देख लिया है, उसको एक गोली। ये थोड़ा लो लेवल का है तो इसको 2 गोली से काम चल जाएगा। और एक गोली ये मिस हो गया। चलो और एक गोली अगर इसको लग जाता है तो मेरा परस्यूट कंप्लीट हो जाएगा। आजा आजा बेटा, आजा इस तरफ आजा, हाँ इस तरफ आजा, बस ख़त्म। ये परस्यूट भी हमने ख़त्म कर लिया है। तो इसके लिए हमको क्या मिलता है? लॉन्ग नेक राइफल, वो भी शायद डेसेंडेंट ही मिलने वाला है, असेंडेंट राइफल। और इसका डैमेज देखिए 1227। हालांकि ये एक ब्लूप्रिंट है, इसको बनाने मिले के लिए भी काफ़ी कॉस्टली है, जो भी हो, लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ मिल गया। चलिए अब हम फटाफट बेस की तरफ चलते हैं। और मैंने देखा है कि परस्यूट अगर आप कायदे से ख़त्म करें, गेम के कायदे से, तो आपको इनाम भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो हमको एक बहुत अच्छा लॉन्ग नेक राइफल मिल गया ब्लूप्रिंट, तो उसको हम यहाँ पे स्मृति में रख लेते हैं क्योंकि किसी पॉइंट में हमको उसको बनाना है, वो हमें बहुत ज़रूरत होगा उसका। तो उसके लिए मेटल हमको चाहिए होगा बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड मैं यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि आज हमने काफ़ी सारे काम कर लिए हैं। हमने एक फ्लाइंग डायनासोर टेम किया जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। उसके बाद हमने 2 परस्यूट कंप्लीट किए जिसके लिए हमको 2 एसेंडेंट, एक स्वॉर्ड मिला और एक एसेंडेंट लॉन्ग नेक राइफल का जो ब्लूप्रिंट है वो मिल गया, तो वो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। अब इन दोनों हथियारों से हमारे आगे की जो जर्नी है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को एपिसोड अच्छा लग रहा होगा, और अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।